हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये स्टार शेप का बेबी ब्लैंकेट या बेबी पॉकेट बनाएंगे जो मेरी एक फ्रेंड बहुत दिनों से जानना चाह रही थी, लेकिन मैं सॉरी बना नहीं पा रही थी। ये देखिए, ये इस तरह से इसके दो पीस बनेंगे। ये इस तरह से ये फाइव पत्तियों का, जैसे 1 2 3, एक पार्ट 5 पत्तियों का बनेगा और एक पार्ट ये 3 पत्तियों का बनेगा इस तरह से। और ये बनाने के बाद एक उसके कैप वाला पोर्शन बनेगा और एक हैंड वाला पोर्शन बनेगा। तो इसको बनाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड से खुला रहता है जिसमें आप अपने बेबी को कवर कर सकते हैं। ये न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ या 1 ईयर तक के बेबी के लिए, जैसे कि वो ढके रहें और बना सकते हैं। और इसके लिए जितना मैं समझ पाई हूँ, आपको बेबी की आपको लंबाई लेनी होती है, जो टोटल लंबाई होती है, जैसे सर से आपने लिया और पैर तक जितना आपको रखना है, सर तक हमने ऐसे पूरा लंबा लिया, उसको हम हाफ कर लेंगे। जैसे सपोज 40 सेंटीमीटर की बेबी की लंबाई लेंथ है, तो पूरा 40 सेंटीमीटर हम लेंगे और 40 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे, तो हाफ 20 हो जाएगा। और 20 में उसका 10%, 20 का 10% हम उसमें और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो सर्कल बनाएंगे, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये सेकेंड पार्ट के लिए, ये जो सर्कल है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत 1-2 इंच ढीला भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें फ्री रहेगा, बेबी को मूव करने के फ्री रहेगा। तो ये जो बेसिक है वो यही है कि बेबी की हाइट की जो आप ना सेंटीमीटर्स में नाप लेंगे उसका हाफ करेंगे, हाफ में 10% ऐड कर देंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। और ये एक जब हमारा सर्कल का जो बेसिक है, बेस है, वो हमारा तैयार। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर और ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले, सबसे पहले एक पोर्शन में 3 पेटल्स बनेंगी, 3 पत्तियाँ बनेंगी, और एक में पूरा 5 पेटल्स का एक पीस बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैसे बनाना है, आप ये देखिए, आप हाथ बहुत टाइट नहीं रखना है और बहुत लूज भी नहीं रखना है, बीच का रखना, नहीं तो वो ऐसे सुकड़ के। इसके लिए हम 5 चेन बनाएंगे, ये इस तरह से स्लिप नॉट लगा के। जैसे नॉर्मल स्लिप नॉट लगती है, स्लिप नॉट लगा के हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के, और ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें इस तरह से स्लिप नॉट से इसे हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे और जो ये हमारा ऊन है इसको भी साथ साथ इसको इसी में बो लेते जाएंगे। ये स्लिप नॉट से ज्वाइन कर दिया, फिर एक चेन यहाँ पे ले लेंगे और फिर इसमें धागा, हुक पे धागा लपेटेंगे और इस सर्कल के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 3 धागे हो गए और बहुत ढीला रखेंगे भी नहीं, अब मतलब इजी वे में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। हुक का साइज अगर आपका हाथ टाइट चलता है, ऊन मोटी है तो थोड़ी मोटी ले लें, ये ऊन मेरी पतली थी इसलिए मैंने, बहुत पतली भी नहीं है, मीडियम है, तो मैंने इसलिए इसमें ये हुक लिया है। ये फिर धागा लपेटेंगे, 3 का 2, 2 का 1, ये डबल क्रोशिया होगा, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे और इसी तरह 2 2 के, जैसे एक ये ग्रुप हो गया, ये 2 डबल क्रोशिए का बीच में 1 चेन लेते हुए हम 5 ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी 5 पत्तियां हैं स्टार शेप में, ये 5 पत्तियां हैं, इसलिए हम ये 5 ग्रुप्स 2 2 के बनाएंगे। जैसे बीच में 1 चेन ले लिया और ये जो हमारा धागा था ये भी हम साथ में इसी में कवर अप करते जाएंगे। ये 2
एक ये दो, ये दो दो डबल क्रोशिया के दो ग्रुप बन गए, बीच में एक चेन। अब यहाँ एक चेन लेंगे, फिर हम तीसरा ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह से हम पांच ग्रुप बना लेंगे और बना के फिर देखते हैं। ये देखिए हमारे ये दो दो के पांच ग्रुप बन गए, एक 1 2 3 4 और ये 5, सबके बीच में एक एक चेन है। यहाँ पे जो लास्ट वाला दो डबल क्रोशिया बनेगा, उसके बाद भी एक चेन लेके, और जो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टिच था ये इसके टॉप पे, ये देखिए ये जो इसका टॉप वाला है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये इस पे हम स्लिप स्टिच से ऐसे इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा बीच का ये वाला पोर्शन तैयार हो गया। अब हमें ये हर एक इधर एक इधर दोनों साइड में एक एक डबल क्रोशिया हर बार बढ़ाना है। ये हमारा इंक्रीज राउंड है। जब हमारी सफिशियंट, जैसे 22 सेंटीमीटर हमने नापा था, तो 22 या 23 जो आप रखना चाहते हैं, 22-23 सेंटीमीटर का जब ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम ये डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो ये एक एक हर तरफ घटे जाएगा, जैसे अभी एक एक बढ़ रहा है, फिर एक एक घटेगा। तो ये नुकीला, ये जैसे ये वाला देखिए, ये नुकीला स्टार वाला शेप आता जाएगा। फिर यहाँ से हमें शुरू करना है। अभी देखिए हमारे पास ये दो दो डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ स्टार्टिंग हमेशा करेंगे एक चेन से, और इनके बीच में भी एक चेन रखेंगे। तो देखिए ये दो थे, दो दो के हमने पांच ग्रुप्स बनाए थे। अब ये एक डबल क्रोशिया, सेम उसी स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया, तो हमारी एक बढ़ गई। अब हमारी ये नेक्स्ट वाली जो है उसमें एक डबल क्रोशिया, बहुत टाइट नहीं करेंगे नहीं तो झोल आ जाता है। ये दो, ये अब हमारे ये चार हो गए। दो से हमने स्टार्ट किया था, दो से स्टार्ट किया और दो इधर एक बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया। दो तो हमारे थे ही, दोनों तरफ एक एक बढ़ गए, तो अभी हमारे पास चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन लेंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया दो का ग्रुप है, उसमें भी हम इस तरह से दोनों तरफ दो एक एक बढ़ा देंगे। एक दो, फिर यहाँ पे सेम स्पेस में एक और, ये चार हो गए। एक छीन लेंगे, फिर इसी तरह से हर में दो का चार हो जाएगा, मतलब एक इधर एक इधर एक एक बढ़ती जाएगी। तो दो जो हमने डबल क्रोशिया ली थी उसका दो का चार बन जाएगा, और जो लास्ट वाला आएगा तो इसके इस चेन के फर्स्ट वाले में हम ज्वाइन ऊपर जो टॉप वाली चेन है उसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हर बार दो दो एक एक स्टिच, एक बार इधर एक बार इधर बढ़ाते हुए हमारा ये सर्कल बनेगा। ये सर्कल देखिए हर हर जैसे दो से हमने शुरू किया तो फिर चार हो गया, फिर एक एक दोनों तरफ बढ़ाया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर उसके बाद इधर भी बढ़ाया, मतलब फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया और सेकंड वाले में एक स्पेस में दो बनाने हैं। तो हर बार इस तरह से जब तक हमारी रिक्वायर्ड चौड़ाई ना हो जाए, ये पूरा जितना हमने नापा था उतना ना हो जाए, तब तक हम ये बढ़ाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा बढ़ के ये पूरा पीस इसी तरह दोनों तरफ एक एक बढ़ाते हुए, फर्स्ट एंड लास्ट वाली डबल क्रोशे में एक एक बढ़ाते हुए ये हमारा ये पीस तैयार हो गया। ये यहाँ पे हमारा टोटल 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 डबल क्रोशिए तक हमने इसको बढ़ाया है। अब इसको बढ़ाने के बाद हमारा, मैंने तो बस ऐसे दिखाने के लिए बनाया है तो इसलिए इतना हमने 22 बढ़ाया है। अब इतने में अगर आपकी रिक्वायरमेंट
जितनी है उतना हो जाए, उसके बाद फिर हम ये घटाना, जैसे अभी एक एक बढ़ाया था उसी तरह अब दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए ये स्टार का शेप हम ले आएंगे। इसे हम घटाते कैसे हैं, ये मैंने बना के रखा हुआ था तो इसे घटाना कैसे है ये हम देखते हैं। इंक्रीज करना तो हमने देख लिया, फर्स्ट एंड लास्ट डबल क्रोशिए में एक एक हर बार बढ़ाते जाएंगे। अब इसे हमें घटाना कैसे है देखिए, सपोज ये हमारा लास्ट राउंड है, हमारी ये 22 डबल क्रोशिए पूरे हो गए हैं और यहाँ पे हम इसके फर्स्ट वाले चेन के टॉप में ये स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से, और यहाँ पे वन चेन लेंगे और ये देखिए ये हो गया। और फिर यहाँ पे ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन का दो करेंगे, और नॉर्मली अब हमें दो का एक करना है लेकिन हम ये करेंगे नहीं, तीन का दो करके अब यहीं रुक जाएंगे। फिर ऐसे लेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर ऐसे बनाएंगे और ये ऐसे तीन का दो कर लेंगे। अब ये हमारे हुक पे टोटल थ्री स्टिचेज हो गई, 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों को इकट्ठे तीन का एक कर देंगे तो ये एक, अब ये टोटल एक काउंट होगी। इसी तरह से अब फिर पूरा हम ये बिनते जाएंगे, लास्ट में फिर हम इसी तरह से करेंगे। देखिए जैसे नॉर्मल बिनते हैं, बस फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे पहले अभी फर्स्ट एंड लास्ट में इंक्रीज हो रहा था, अब फर्स्ट एंड लास्ट में डिक्रीज होगा, मतलब घटाएंगे हम। अब ये पूरा डबल क्रोशिया बनाते हुए हम एक स्टिच पहले तक हम यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ तक बनाते हुए ये लास्ट तक आ गए, ये धागा लपेटा, इसमें से ये तीन हो गए, तीन का दो। अब हमें ये फिर इसको दो का एक नहीं करना है, इसमें अब ये लास्ट वाले में ऐसे किया, दो का एक किया, टोटल थ्री स्टिचेस। अब इन तीनों को एक कर दिया, यहाँ पे एक कर दिया और यहाँ पे एक कर दिया। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे घटे कि नहीं घटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। हमने 22 से शुरू किया था, दो घट गए, एक इधर एक इधर। अब देखिए एक बार आप और देख लीजिए, बीच में एक चेन लेंगे, ये बीच में एक चेन, ये फाइव पेटल्स को पत्तियों को अलग करने के लिए। देखिए यहाँ पे चेन लिया और हमने ये इसका फर्स्ट है, ये इस तरह से ये एक तीन का दो किया, फिर इसकी नेक्स्ट वाली में ये दो, ये तीन स्टिच है, तीन का एक कर दिया। तो ये हमारा एक में, अब इसी तरह से करते हुए लास्ट में भी एक स्टिच पहले, जैसे यहाँ पे हम रुक जाएंगे इसको और इसको, ये तीन दो का एक हो जाएगा। फिर इसी तरह से पूरा राउंड करते हुए, हमने जहाँ से शुरू किया था, हमने दो डबल क्रोशिया से शुरू किया था, तो दो डबल क्रोशिया जब आ जाएगा तब तक हम ये दोनों तरफ इसी तरह घटाते रहेंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशिया आ गया, तब तक हम इसे घटाते रहेंगे और लास्ट में हमारा दो बचेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे, डिक्रीज करना शुरू करेंगे, तो हमारी कितनी डबल क्रोशिया रहेंगी इसे आप काउंट कर लीजिएगा या इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा ये वाला पोर्शन और कैप वाला पोर्शन बनेगा उतनी ही डबल क्रोशिया का बनेगा, ये हैंड का पोर्शन और कैप का पोर्शन। इसके बाद ये घटाते हुए जब हमारा चार आ जाएगा, सॉरी दो आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट दो से किया था, तो जब दो आ जाएगा तब तक हम इसी तरह दोनों तरफ से एक एक घटाते रहेंगे और ये स्मूथ सा आता रहेगा। ये देखिए और हम राउंड भी काउंट कर लेंगे टोटली, ये देखिए इस तरह से ऐसे जस्ट हाफ हाफ ऐसे हो जाता है, और राउंड काउंट कर लेंगे कि कितने राउंड, क्योंकि पत्तियाँ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक में 15 राउंड है तो एक में 13 राउंड होगा, ऐसा नहीं। इस तरह से आप ये जहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे ये हम गिनेंगे, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ये जालियाँ हम गिन सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
कि 11 जारी के बाद हमें डिक्रीज करना है। इस तरह से घटाते हुए हमने ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। एक पोर्शन ये तीन पत्तियों वाला बनेगा, उसमें ये पांच पत्तियां नहीं बनेंगी, एक दो तीन, सिर्फ तीन पत्तियां बनेंगी। तो ये दो पोर्शन खाली रखे जाएंगे और एक में ये पांचों पत्तियां बनेंगी। उसके बाद फिर हमें ये हैंड वाला पोर्शन बनाना है। हैंड वाला पोर्शन हम कैसे बनाएंगे, मैंने ये स्टार्ट करके रखा हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा था कि जहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ 22 डबल क्रोशिया थे, तो हमने 22 जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया होगी, जहाँ से हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे, उतनी चेन हम बना लेंगे। जैसे ये 22 थी तो प्लस वन चेन एडिशनल, तो 22 चेन और एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 26 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जैसे अभी हम डिक्रीज हमने करना सीखा है, और ऐसे ही डिक्रीज करते हुए हम बिल्कुल इस तरह से जैसे दो तक आ जाएंगे। तो ये हमारा हैंड वाला पोर्शन हो जाएगा। इसे हम बना के देना, शुरू उतनी ही चेन से करना है जितना हमने यहाँ डबल क्रोशिया छोड़ा था। जैसे ये 22 है और प्लस वन, तो 22 प्लस वन पहली वाली छोड़ के दूसरी से, मतलब 22 ये जब हमारा बनाते बनाते दो हो जाएगा, दो तक हम बनाएंगे दोनों तरफ से एक एक डिक्रीज करते हुए, और जब दो डबल क्रोशिया बचेंगे तब इसे हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा हैंड का पोर्शन होगा और ऊपर अब हमें कैप का पोर्शन बनाना है। ये देखिए इसका फर्स्ट पीस, इसमें कुल टोटल फोर पीस बनेंगे। पहला पीस तो हमारा ये हो गया जो देखिए स्टार शेप का है, और दूसरा बनेगा ये, इसके टोटल कुल फोर पार्ट हैं। एक तो ये वाला जो हमारा पूरा टोटल इसको फाइव पेटल्स का ये स्टार शेप का है। ये जो हमारे बढ़ने वाले राउंड हैं उसके बनाने के बाद सारी पत्तियां ये डिक्रीजिंग मतलब घटेंगी, जहाँ से ये या इस जगह से हर पत्ती अलग अलग बनेगी। जैसे ये पूरी हो जाएगी उसके बाद ये बनेगी फिर ये बनेगी, इस तरह से बनेगी। और दूसरा पीस हमारा ये है ये भी, लेकिन इसमें सिर्फ 1 2 3 पेटल्स बनी हुई हैं, ये देखिए। और ये दो पोर्शन, एक और दो, कुल पांच में से तीन बनी हैं, दो पोर्शन खाली है। एक पोर्शन इसका ये ट्राइंगल सिर्फ है जो इसके यहाँ पे हम लगाएंगे, ये हैंड के लिए। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे जितने फंदे हमने जितनी डबल क्रोशिया लास्ट वाले में बढ़ाने वाला राउंड है, 22 थी हमारी, हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, जहाँ से हमने लास्ट बार बढ़ाया है ये हमें हमेशा याद रखना है। तो उतनी ही चेन बनाएंगे प्लस एक चेन और एक्स्ट्रा, जैसे 22 है तो हम 23 चेन बना लेंगे, और पहली वाली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन से 22 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और पूरी हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 22 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन लेके टर्न करेंगे और उसके बाद एक स्टिच इधर एक स्टिच इधर घटाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था घटाने के लिए। और हर एक बार इधर एक बार इधर एक चेन लेके पलटेंगे और दोनों तरफ ये एक एक चेन घटाते जाएंगे एक एक स्टिच, तो ये ट्राइंगल पीस तैयार हो जाएगा। इसमें हमारे हाथ के लिए हैंड के लिए होगा। ये पोर्शन हमारा कैप वाला पोर्शन है जो इधर लगेगा हेड के पोर्शन में। तो टोटल ये फोर पीस है, एक फुल वाला स्टार, एक ये हाफ स्टार, एक ये हैंड वाला, एक ये हेड वाला। इसको बनाने के लिए हेड वाले पोर्शन को बनाने के लिए इसको भी 23 चेन बनाएंगे, जो हमारी यहाँ लास्ट चेन डबल क्रोशिया थी 22 प्लस एक एक्स्ट्रा, 23 चेन बना के एक चेन छोड़ के और हर स्टिच में हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, हर बार इधर से भी पलटते समय एक चेन लेंगे, और इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 राउंड बिना घटाए बिना बढ़ाए 22 डबल क्रोशिया की बना लेंगे। उसके बाद फिर दोनों तरफ एक एक घटाएंगे, एक इधर घटाएंगे। ये देखिए बस टोटल ये ध्यान रखना है कि हमारे राउंड जो इस पीस के बराबर हो। ये देखिए एक राउंड हमारा एक्स्ट्रा होगा, वो क्यों होगा कि कैप के लिए, अगर ये ऑप्शनल है ये हम ऐसे
मोड़ सके। ये छोटा पीस है इसलिए छोटा सा दिख रहा है, ये इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ से कैप का शेप दिया हुआ है। 5 राउंड बिना घटाए बढ़ाए बनाने के बाद दोनों तरफ एक एक फंदे घटाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हर पीस में ये जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया था तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया सभी में बचेंगी। इसमें भी देखिए लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बची है। और अब यहाँ पे हम 2 या 3 राउंड, अगर बड़ा पीस है तो 4-5 राउंड, छोटा ये छोटा पीस है तो इसमें दोनों तरफ 2-2 डबल क्रोशिया 2-2 स्टिचेस घटाएंगे। देखिए कैसे, जैसे एक एक घटाते थे तो अब ये 2, 1 चेन लिया, ये हम पलटे, ये ऐसे 3 हो गए, 3 का 2 किया, अब ये 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में लिया, ये 2 का 1 किया, तो ये तो हमारी 1, फिर इन्हें 3 का 1 कर देंगे तो ये तो 1 स्टिच घटी। अब इसे हमें डबल घटाना है तो 1 और बार लेंगे ऐसे, और ये टोटल हमारे हुक पे 4 ये स्टिचेस होंगे तो ये डबल डिक्रीज हो जाएगा, डबल 2 स्टिचेस हमारे घटेंगे। अब इन्हें सारे को 1 का 1 कर देंगे, फिर इधर सारे में ऐसे बनाएंगे और लास्ट में फिर इसी तरह से जैसे यहाँ है तो हम यहाँ से बनाना छोड़ देंगे और 2 स्टिचेस घटा देंगे। 2 या 3 बार ऐसा करने के बाद फिर एक एक स्टिच ही घटाएंगे, फिर एक एक स्टिच घटाते हुए लास्ट में जब ऐसे ट्रायंगल 2 बचेगा तो हम इसे बनाना बंद कर देंगे। तो ये हमारा हेड वाला पोर्शन हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि जैसे हमने ये 2 पीस यहाँ पे नहीं बनाए हैं तो एक तो ये हमारा हैंड का पोर्शन हो जाएगा, ये पॉकेट सा बनेगा, इसके अंदर ऐसे आप बच्चे को डाल सकते हैं। और फिर जैसे ये हैंड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम 2 राउंड और एक्स्ट्रा बनाएंगे बटन होल के लिए, जैसे आप बटन लगा सकें। तो इसको बनाने के लिए हम सीधे तरफ से ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे ऊन जोड़ के इस तरह से ऊन जोड़ेंगे। ये राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया है लेकिन बटन होल बनाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये इस जगह पे डबल क्रोशिया नहीं बना के हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाएंगे ये आप देखिए, पहले तो ये धागा यहाँ हमने जोड़ लिया, 1 चेन ली। अब ये जैसे धागा नॉर्मली डबल क्रोशिया के लिए हम 1 बार लपेटते हैं तो यहाँ हम धागा 2 बार लपेटेंगे। सेम उसी जगह पे ऐसे ये फिर ये फिर ये 3 बार हमने किया, ये थोड़ा लंबा होगा, ये 2 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट चेन में यहाँ कोई घटाना कोई बढ़ाना नहीं है, 2 बार लपेटा, 2 का 1, फिर नेक्स्ट बार 2 का 1, फिर ये 2 का 1, ये ट्रिपल क्रोशिया। तो जो इसके बीच में होंगे तो ये बड़ी बड़ी बटन्स लग जाएंगे, अगर आपकी बटन बड़ी नहीं है तो आप डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। एक बार आप और देख ले, ये 1 बार धागा लपेटा, ये दोबारा लपेटा ट्रिपल क्रोशिया, ये ऐसे निकाला 1, 2, ये 3, इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक ट्रिपल क्रोशिया का राउंड 22 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेके पलटेंगे और फिर हर में 1 डबल क्रोशिया बना के इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए ये हमारी 22 ट्रिपल क्रोशिया बन गई। ये एडिशनल राउंड है बटन होल के पर्पज से, देखिए इसमें हम ऐसे बटन एज ए बटन होल, ये फिर 1 चेन लेके हम इधर पलट जाएंगे और फिर ईच स्टिचेस में हर में एक एक में डबल क्रोशिया जैसे पहले बना रहे थे वैसे ये हर में ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे और फिर हम इसे ज्वाइन करेंगे, हैंड और हेड वाला कैप वाला पोर्शन ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा हेड वाला पीस बनके तैयार हो गया, लास्ट में यहाँ भी 2 बचे, ये 1 एंड 2। और अब इस तरह से मैंने ये पिन से इसको देखिए जोड़ लिया, पिन लगा लगा के, और ये ऐसे हमारा पॉकेट बन गया, ये इस तरह से या ये इधर है। अब इस वाले पोर्शन में जहाँ हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी इधर हम ऐसे जोड़ेंगे ये इस तरह, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये ऐसे खुला रहेगा, यहाँ पे हम बटन लगा के ऐसे बंद करेंगे और ये
ये पोर्शन इतना खुला रहेगा। यहाँ से डाल, ऐसे पॉकेट है डालने के लिए। इधर ये दो टांगें आ जाएंगी, ये हैंड, एक ये हैंड, और ये इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर यहाँ मिलाएंगे। देखिए जैसे यहाँ ऐसे मिलाया और यहाँ जोड़ देंगे, ये इस तरह से। और ये हिस्सा इसमें बटन लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे बंद कर देंगे, और यहाँ पे हम हेड वाला हिस्सा जोड़ेंगे। और ये एक राउंड ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये हेड थोड़ा सा कैप का शेप आ जाएगा। और यहाँ से एक राउंड हम एक्स्ट्रा बनाए थे ना, तो ये हमने यहाँ से लेके इस पोर्शन को ऐसे सिल देना है, इसको इधर से क्रोशे से वो कर देना है, ये इस तरह। और ये हमारा ये ऐसे पॉकेट सा तैयार हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो डबल क्रोशे से भी जोड़ सकते हैं और अलग कलर से भी। ये मैं अलग कलर से जोड़ के दिखा रही हूँ। इसका जो हमारा राइट साइड होगा उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ, और इस वाले पोर्शन का राइट साइड ऊपर रहेगा और रॉन्ग साइड ऐसे अंदर की तरफ रहेगा, ये इस तरह से। दूसरे कलर से जोड़ के आप चाहें तो सेम कलर से जोड़ें, दूसरे कलर से जोड़ के थोड़ा सा ऐसे देखिए यहाँ से हम जोड़ते हैं। यहाँ मैंने पिन लगा रखी है जिससे हिले ना, और बिल्कुल रोज़ बिल्कुल लाइनें जो हैं सेम इक्वल होनी चाहिए, नहीं बड़ा छोटा हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि ये हमारा दोनों पोर्शन आ रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जैसे हमने जोड़ना शुरू किया तो ये एक पोर्शन का और ये सेकंड पोर्शन का। हमेशा ध्यान दे लें कि दोनों पोर्शन हमारे हुक पे आ गए हैं, इस तरह से। पहले तो यहाँ पे ऊन को हम पक्का कर लेंगे, सिक्योर कर लें कि ये ऐसे। फिर यहाँ एक चेन ले लेंगे, हमने ऊन यहाँ पक्का कर लिया, इसे यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं कि हर में एक एक दो दो सिंगल क्रोशिया दोनों पार्ट्स को पकड़ के ऐसे, और इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम उसी स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया, ये इस तरह से ऐसे करते हुए ये यहाँ तक जोड़ेंगे। फिर यहाँ आएंगे, फिर ये खुला छोड़ के ये वाला पोर्शन हमारा खुला रहेगा देखिए, और यहाँ से ये ऐसे खुला रहेगा, और यहाँ से जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे हेड वाले पोर्शन का, ये यहाँ खुला रहेगा। यहाँ से जोड़ते हुए सारे कॉर्नर्स हम जोड़ लेंगे। या तो हम हर में एक दो डबल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा कंगूरे जैसा बनाने के लिए, कोई भी जिससे जुड़ने वाला हो। जैसे हमने दो चेन बनाई, ये ऐसे एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया, और अब इसको हम नेक्स्ट वाले में ऐसे सिंगल क्रोशिया से ये ऐसे स्लिप नॉट लग, ये ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे दो चेन लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वाले में इस तरह एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर इसको उसके बाद वाले में ऐसे एक, ये इस तरह ऐसे हम कंगूरे सा भी बना सकते हैं, और वैसे डबल क्रोशिया से भी हम ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए जुड़ गया, बस देख लें कि आपका दोनों तरफ से पोर्शन आ रहा है। और इस तरह जो बनाते हुए हम पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ये पोर्शन बन के तैयार हो जाएगा, ये टोटल इस तरह से आएगा। ये देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया, ये कंगूरे ऐसे बनेंगे, ये जो कि मैंने दूसरे कलर से बनाए हैं। ये तीन डबल क्रोशिया, फिर उसको स्लिप यहाँ सिंगल क्रोशिया से
ऐसे करके देखेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट उसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया, फिर दो चेन, लेकिन ये जो ये बनाएंगे टॉप वाला पोर्शन जो दोनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे, यहाँ पे जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं, जैसे दो चेन लिया फिर ये तीन डबल क्रोशिया फिर दो चेन लेंगे, नहीं तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ये इस तरह से जैसे कॉर्नर बनाते हैं ऐसे, ये देखिए ये इस तरह से बनाएंगे। अब ये हमारा बन के, ये मैंने दूसरे कलर से बनाया है और ये कंगूरे जैसा बनाया है, और इधर मैंने सेम कलर से, ये देखिए जो मैं आपको पहले बता रही थी, सेम कलर से एक ही स्पेस में दो सिंगल क्रोशिया बनाई है, ये इस तरह से दिखेगा, देखिए ये भी ज्वाइन हो गया, ये इस तरह से, ये एक ये सेम स्पेस में दो सिंगल क्रोशिया बनाई है। तो ये दोनों ऑप्शन है, और भी कोई बॉर्डर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा, और यहाँ पे कोई फ्लावर डेकोरेटिव लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा बटन वाला पोर्शन है, यहाँ हम बटन लगाएंगे इस पर, और ये एज ए बटन होल यूज़ करेंगे, और ये ऐसे ऊपर रहेगा, और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया का जो आपका सेकंड कलर है ये उससे ऐसे सिर्फ बना देंगे। और ये हमारा कैप वाला पोर्शन है, जो कि मैंने ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके कैप एक्स्ट्रा रो बनाई थी, और ऐसे कैप का शेप ये यहाँ ऐसे सर कैप के लिए रखेंगे, और यहाँ आपका पॉकेट बनके तैयार हो गया। ये इस तरह से यहाँ से ऐसे बेबी को आप डालेंगे इस तरह से, और ये ऐसे, ये हमारा हैंड, ये हमारा कैप, ये इस तरह, इस जगह से ऐसे पॉकेट में हम, ये दोनों हैंड हो गए, ये दोनों लेग हो गए, और ये आपका हेड हो गया। और ये आप बना सकते हैं, अगर आप इसे बना के इसमें अपना भी इन्वेशन या डेकोरेशन आप कुछ कर सकते हैं, ये बन के अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। और बटन आपको कहाँ लगानी है वो आपको, सपोज ये बटन है तो इस जगह पे ऐसे हम बटन तीन लगा देंगे, तो ये इसमें बंद कर सकते हैं, और ये बन के तैयार है, ये ऐसे, ये इस जगह से, ये बस आपको अपनी बेबी की लेंथ लेनी है, और लेंथ के उसको दो, जैसे 40 लेंथ है टोटल 40 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ करेंगे 20 का 10%, तो आपकी ये जो पूरी चौड़ाई आ जाएगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल बनाया है, और जब आपको लगे कि ये चौड़ाई सफिशिएंट हो गई है तब आप घटाना बंद कर देंगे, और उसके बाद आप डिक्रीज करना शुरू करेंगे। आप इसे बनाएं, ट्राई करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको टाइम पे पता चल। आप ट्राई ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको टाइम पे पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है। एंजॉय नेटिंग, थैंक यू।